गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 2। मैं आपको चैप्टर 2 बुक पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रिवीजन कराने जा रही हूँ। इसका टॉपिक है राइज ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश जो अंग्रेजों का शासन आया है अपने इंडिया में वो किस तरह से आया, उनका उदय कैसे हुआ, उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई। द राइज ऑफ द ब्रिटिश, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच डिफीटेड द पोर्चुगीज। कुछ यूरोपियन कंट्री, कुछ यूरोपियन देश एशियाई देशों पे अपना व्यापार फैलाकर वहाँ अपना कब्जा करना चाहते थे। तो उन देशों में से मैंने बताया आपको कौन कौन से थे, ब्रिटिश थे, पोर्तुगीज थे, फ्रांसीसी थे। इन सब ने अपना एशियाई देशों में अपना ट्रेड फैला रखा था और अपना कॉलोनियल पावर स्थापित कर लिया था, यानी उपनिवेशवाद को लागू कर चुके थे। अब ये आपस में ही फिर जब ये तीनों देश, चारों देश अपना व्यापार फैला रखा था इन्होंने एशिया देशों में, फिर ऐसा हुआ कि ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच डिफीट द पोर्तुगीज। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने पोर्तुगीज को हरा दिया एंड टच बाई द अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी में इन लोगों ने पोर्तुगीज और डच को हरा दिया एंड स्टेबलाइज दियर मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड, और भारतीय व्यापार पर अपना सिक्का जमा लिया, अपना एकाधिकार जमा कर लिया। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस कैम टू डोमिनेट इंडिया ट्रेड विद यूरोप। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां कैम टू डोमिनेट इंडिया ट्रेड विद यूरोप। यूरोप के साथ भारत में अपना व्यापार जमाने के लिए इंग्लैंड की और फ्रांस की भी कंपनियां आ गई। ईच ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट, हर कोई मार्केट में अपना कंट्रोलिंग पावर चाहता था। वेयर दे पॉट द गुड्स एंड रेड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर, जहाँ हर कोई ये चाहता था कि हमारा ही सिक्का यहाँ आ जाए। वेयर दे पॉट द गुड्स, अपना ही सामान देना चाहते थे और दूसरे लोगों के पावर को कम करना चाहते थे। दिस लीड टू एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज बिटवीन द टू नेशन बोथ इन इंडिया एंड यूरोप। दिस लीड टू एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज, इस यही कारण था कि एंग्लो फ्रांच रशियन हुआ था, वो उनका भी कारण यही था। ग्रेजुअली वॉर ट्राइड टू कंट्रोल नॉट ओनली द ट्रेड बट आल्सो एक्सटेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया। वो लोग केवल अपनी व्यापारी सत्ता ही नहीं बढ़ाना चाहते थे भारत में, बल्कि वो राजनीतिक प्रभाव भी अपना इंडिया में जमाना चाहते थे। इवेंचुअली द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस, द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस इन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुपरमेसी आफ्टर फाइटिंग ए सीरीज ऑफ वार विद इंडियन रूलर्स एज वेल एज द फ्रेंच। द फर्स्ट ऑफ सच वार वाज कर्नाटिक वार, जो इन लोगों में आपस में ही जो युद्ध हुआ था, जो आपस में ही लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम था कर्नाटिक वार। जो वार हुआ था उसका नाम दिया गया कर्नाटिक वार। कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, द ब्रिटिश एंबिशन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंसेस वार वाज ग्रोइंग डे बाय डे। जो ब्रिटिश लोगों ने अपना व्यापार भी फैला रखा था इंडिया में और इनकी सुपरमेसी भी स्थापित हो रही थी, इनकी लोक शक्ति, इनकी पावर भी इंडिया में जम रही थी, तो इनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे ग्रोइंग डे बाय डे, इनकी सत्ता, इनकी राजनीतिक सत्ता और इनकी व्यापारिक पोजीशन दोनों ही इंडिया में अपने पाँव पसार रही थी और इनके पाँव और मजबूती दिनों दिन मजबूती देते जा रहे थे डे बाई डे। एंड इट फोर्स डैम टू वेज वार विद इंडियन रूलर्स, और यही कारण था कि जो इंडियन रूलर्स को आपस में भिड़ा रहे थे। द फर्स्ट ऑफ सच कंक्वेस्ट बिगेन इन बंगाल एंड स्प्रेड ओवर द कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड मराठास द अदर पावर वाइन फॉर सुपरमेसी इन इंडिया। ब्रिटिश रोज टू पावर विद द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, इसके बाद ब्रिटिश और भी शक्तिशाली हो गए कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की जीत के बाद, बंगाल को जीतने के बाद। दे फॉट टू बैटल्स, इन लोगों ने दो लड़ाइयाँ और लड़ी। दे फॉट टू बैटल्स अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब के खिलाफ, जिसका नाम, जिस युद्ध का नाम हुआ था द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ, एंड द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। एट द टाइम द किंगडम ऑफ बंगाल रूल प्रोविंस ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। वार्स एंड इंटरव्यू
इस मेड द ब्रिटिश मास्टर्स ऑफ बंगाल। इस तरह से लड़ाई को जीतकर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बने, यानी बंगाल में उन्होंने अपनी सत्ता और भी जमा ली। द मुगल एम्परर फारूक सियार हैड परमिटेड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पे एनी पेमेंट ऑफ टैक्स। मुगल एम्परर फारूक सियार को मुगल सम्राट था, फारूक सियार उसको इंग्लैंड परमिटेड द इंग्लिश टू ट्रेड, यानी ब्रिटिश के लोगों के साथ व्यापार करने की परमिशन थी, वो भी पेमेंट ऑफ विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स, बिना कोई टैक्स भरे वो इंग्लिश यानी अंग्रेजों के साथ अपना व्यापार चला सकता था। द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला द्वारा डिड नॉट लाइक इट, लेकिन इस तरह की नीति को नवाब ऑफ बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला द्वारा डिड नॉट लाइक इट बिकॉज इट एडवर्सली अफेक्टेड हिज इनकम, इस चीज को पसंद नहीं करता था। द ब्रिटिश वर आल्सो मिसयूजिंग देयर राइट वाइल सेलिंग द स्टक इन फ्री पास which declared that the goods belonged to the British and therefore exempted from trade tax to Indian merchant. Sirajuddaula attacked the English factory at Qasim Bazar and captured Fort William. और इस तरह के कुछ कानून ऐसे भी थे। The British were also misusing their right. जो ब्रिटिश वाले थे यानी अंग्रेज थे वो अपने अधिकारों का गलत यूज कर रहे थे। एंड फ्री पास भी डिक्लेयर दैट गुड्स बिलोंग टू द ब्रिटिश, और उन्होंने सीधा सीधा कह रखा था, डिक्लेयर कर दिया था कि ये सारा जो भी माल है वो अंग्रेजों ब्रिटिश का है एंड देयरफॉर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम ट्रेड टैक्स टू इंडियन मर्चेंट। और इस तरह का सिराजुद्दौला अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री, फिर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अटैक कर दिया एट कासिम बाजार में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अटैक कर दिया एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। यही था आपका राइज ऑफ ब्रिटिश। क्वेश्चन आंसर मैं इसकी कल करवा दूंगी आपको, आप मैंने इस टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया।